तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे से होंगे आप लोग। दोस्तों, Xiaomi ने आज अपने MI वॉच के एक सक्सेसर मॉडल को कर दिया है लॉन्च और इसका नाम कंपनी ने MI वॉच लाइट रखा है। यह एक पॉकेट रेंज स्मार्ट वॉच है। इसके अलावा यह 41mm स्क्वायर डायल केस डिजाइन के साथ आती है जिसमें आप लोगों को सिलिकॉन और प्लास्टिक का मटेरियल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसके साथ आप लोगों को सिलिकॉन के डिफरेंट कलर के स्ट्रिप देखने को मिलने वाले हैं। यह तो कहूँ यूज करने के लिए मिल जाएंगे। यह एक पॉकेट रेंज स्मार्ट वॉच जरूर है लेकिन देखने मुझे काफ़ी अच्छी और काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है और यह एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच की तरह दिखती है। आप लोगों का क्या विचार है इस MI वॉच लाइट को लेकर? जो भी हो दिल विचार इसके डिजाइन को लेकर नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी MI वॉच लाइट के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ूँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस MI वॉच लाइट के सबसे पहले कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को ब्लूटूथ 5.0 कंपनी दे रही है जो आपके एंड्रॉइड iOS गैजेट्स के साथ कनेक्ट होने वाले, मतलब स्मार्टफोन के साथ, और इसकी जो कनेक्टिविटी रेंज है वो 10 मीटर की होने वाली है। इसके साथ अगर बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 1.4 इंच की एक TFT LCD डिस्प्ले दे रही है जिसका रेजोल्यूशन 320x320 का, यह एक फुल कलर टच डिस्प्ले है और इस डिस्प्ले का PPI डेंसिटी 363 निट की है, मतलब सूर्य की रोशनी में बड़ी आसानी से आप इस स्मार्ट वॉच का यूज कर पाएंगे। 2.5D कवर्ड ग्लास की फिनिशिंग इस स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसके अलावा इस स्मार्ट वॉच के होम फेस को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाएंगे। कंपनी ने डिफॉल्ट रूप पर आप लोगों को 120 प्रकार के स्मार्ट वॉलपेपर इस स्मार्ट वॉच के साथ उपलब्ध करवा रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों, इसके अंदर कंपनी आप लोगों को AMOLED डिस्प्ले दे सकती थी पर यहां पर कंपनी ने आप लोगों को TFT डिस्प्ले उपलब्ध करवाई है जो थोड़ा निराशाजनक है, पर पॉकेट रेंज स्मार्ट वॉच के तौर पर ठीक ठाक डिस्प्ले ही इसके अंदर आप लोगों को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों, आगे बढ़ते अगर बात करते हैं इसके अंदर फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को सेंसर भी उपलब्ध करवा रही है जैसे हार्ट रेट मॉनिटर का हो गया, ट्री एक्सेस एक्सेलेरोमीटर का हो गया, GPS, जायरोस्कोप और ग्लोनेस का सेंसर कंपनी इसमें दे रही है जिससे 2400 घंटे आप अपने हार्ट रेट को ट्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा स्लीप मॉनिटरिंग कर पाएंगे, डिस्टेंस को नाप पाएंगे और इसके अलावा लोकेशन और कैलोरी को भी आप इसमें काउंट कर पाएंगे या तो कहूं ट्रैक कर पाएंगे। इसके अंदर आप लोगों को 11 प्रकार के स्पोर्ट मोड कंपनी उपलब्ध करवा रही है जैसे इनडोर रनिंग हो गया, आउटडोर रनिंग हो गया, योगा, साइकिलिंग, वॉकिंग, ऐसे ही 11 प्रकार के डिफरेंट स्पोर्ट मोड इसके अंदर मिलने वाले, मतलब आप अपनी दिन भर की दिनचर्या को इस स्मार्ट वॉच के जरिए ट्रैक कर पाएंगे। मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही फीचर इसके अंदर आप लोगों को कंपनी दे रही है प्राइस सेगमेंट के साथ। इसके अलावा 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट फीचर्स से लेस जो 50 मीटर पानी के नीचे भी इस स्मार्ट वॉच को खराब नहीं होने देने वाला है। इसके साथ अगर और फीचर्स की बात करते हैं, तो इसमें आप लोग नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर पाएंगे कॉल का, SMS का, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे अन्य सोशल साइटों का और उनका आप लोग जवाब भी दे पाएंगे। हालांकि इसमें आप लोगों को गूगल और सीरी जैसे वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट नहीं मिलता, पर इसके अंदर आप लोगों को वेदर, अलार्म, इवेंट, रिमाइंडर, इसके अलावा फाइंड माय फोन जैसे ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो एक पॉकेट रेंज स्मार्ट वॉच के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा आप इस स्मार्ट वॉच के जरिए अपने स्मार्टफोन पर बज रहे म्यूजिक को कंट्रोल कर पाएंगे और उसके वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर पाएंगे। अगर बात करते हैं इस MI वॉच के बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 230mAh की बैटरी दे रही है जो 2 घंटे में फुल चार्ज होने वाली। इसके अलावा नॉर्मल यूज पर आप लोगों को 10 डे का बैकअप उपलब्ध करवाने वाला। हालांकि हार्ट रेट मोड पर आप लोगों को केवल 8 से 10 घंटे का ही बैटरी बैकअप इस स्मार्ट वॉच के अंदर देखने को मिलने वाला है। चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को मैग्नेटिक सुविधा उपलब्ध करवा रही है। दोस्तों, फाइनली अगर बात करते हैं इस MI वॉच लाइट के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो मैं आप लोगों को यहाँ जानकारी के लिए बता दूं कि इस स्मार्ट वॉच को कंपनी ने अभी ग्लोबली मार्केट में किया है लॉन्च और यह भारत में जो कंपनी का नेक्स्ट स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है Redmi 9 पावर, उसके साथ नेक्स्ट वीक भारतीय मार्केट में लॉन्च हो सकती है। अगर ग्लोबल मार्केट की जो करेंसी उसको भारतीय करेंसी से करते हैं कन्वर्ट, तो इसकी कीमत भारतीय मार्केट में लगभग 3000 रुपए के आसपास होने वाली है। दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर इस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी इसको भारतीय मार्केट में करती है लॉन्च, तो इसके अंदर आप लोगों को GPS जैसा फीचर मिल रहा है जो इस प्राइस सेगमेंट के साथ काफी अच्छा फीचर है। इसके अलावा इसमें आप लोगों को 10 डेज का बैटरी बैकअप मिल रहा है जो ठीक ठाक ही बैटरी बैकअप है, उस हिसाब से यह स्मार्ट वॉच काफी अच्छी होने वाली है। दोस्तों, आप लोगों के मन में क्या है विचार इस MI वॉच लाइट को लेकर? जो भी हो दिल विचार कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।